करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसा है। लेट क्यू इज अ चार्ज प्लेट एट ओ एन एयर आर टेस्ट चार्ज क्यू नोट एट अ पी अ डिस्टेंस आर फ्रॉम क्यू। एक हमें फॉर्मूला एक डेरिवेशन करना है इसका, तो ये इसकी मैंने थ्योरी लिख दी है। क्या कहा है उसमें, लेट अ क्यू इज अ चार्ज। अब यहाँ से हमको इसका डायग्राम बनाना है। इसे देखिए, यहाँ पर हम एक क्यू चार्ज ले लेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं एक क्यू चार्ज ले लिया। ये कैसा है, पॉजिटिव है, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर दी, और ये कितनी इसकी डिस्टेंस कितनी आर है, और इस ये पॉइंट क्या है, ये हमारा लेट चार्ज इज, लेट क्यू चार्ज इज अ प्लेस एट ओ, और ये कितने क्या है इसका, ओ डिस्टेंस पर है। ओ मतलब जो पॉइंट है इसका, जो क्यू चार्ज हमारा प्लस वाला वह ओ पे, ओ पॉइंट पर है। दूसरा क्या है, यह एयर में है, मतलब इनके बीच में जो स्पेस है वह एयर वाला है। अटैच चार्ज क्यू नॉट एट पी, यहाँ पर क्या है हमारा पॉइंट पी है, और यहाँ पर क्या है हमारा क्यू नॉट, मतलब कि टैक्स चार्ज रखा हुआ है। अब देखिए, अब जो यहाँ पर लाइन थी उसका हमारा काम हो गया, कि यहाँ पर जो क्यू चार्ज था प्लस वाला उस पॉइंट ओ पर रखा था, उसके दोनों के बीच में डिस्टेंस थी वह आर थी, और जो क्यू नॉट चार्ज था वह पी पर रखा था। तो ये हमने इसकी हेल्प से बना लिया। अब देखिए इसमें क्या हुआ, आपको पता होगा पिछली वीडियो से आप देखते हुए आ रहे होंगे, तो क्यू नॉट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पर, तो जब एक जैसे ही दो पॉइंट मतलब प्लस प्लस वाले हैं तो आपस में उनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, मतलब कि जो हमारा यह क्यू चार्ज है इस क्यू नॉट चार्ज को इस तरफ फोर्स देगा, मतलब इस तरफ इसको धक्का देगा, इस तरफ इस पर फोर्स लगेगा, तो इसके कुछ डायरेक्शन बनेगी जो हमारी वो इस तरफ बनेगी, मतलब कि इस पर यह फोर्स लगेगा वह इस तरफ लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन होगी वह किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, इसकी इसकी फोर्स की डायरेक्शन होगी, या क्या इसकी फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब सिंपल हमको डेरिवेशन करना है। अब यहाँ पर क्या कर देंगे हम, कूलम्स लॉ अप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या है कि एक प्लस चार्ज क्यू है और एक क्यू नॉट है, तो Q और Q नॉट उनके दोनों के बीच डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कर देते हैं हम स्क्वायर कर देते हैं। ये हमने अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ से लिख दिया। अब हमको पिछली वीडियो यदि आपने देखी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो हमने फॉर्मूला लिखा था वह क्या लिखा था, E इज इक्वल टू एफ वेक्टर में क्यू नॉट। ये हमने फॉर्मूला लिखा था किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, F की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, जो F की वैल्यू यहाँ पर है उसको इस वाले फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन वन नाम दे देते हैं और इसे हम इक्वेशन टू नाम दे देते हैं। अब देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन टू, जो हमारी वैल्यू थी एफ की उसको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन टू में पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ से क्या जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट आर स्क्वायर, और यहाँ से क्या जाएगा, एफ की तो वैल्यू रखी है तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू नॉट, और जो क्यू नॉट है वह क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, वन अपॉन
फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया हमारे पॉइंट चार्ज के लिए, इसके हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है, किस तरह से फॉर्मूले को सिंपल सा एक डेरिवेशन है, हमको सिंपल से दो चार्ज दे लेने हैं, उनके बीच फोर्स लगा लेना, डायग्राम बना लेना और सिंपल कूलम्ब ट्रैप अप्लाई करके ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको, इतना ईजी है ये। तो ये वैल्यू बार बार आगे यूज़ होती है तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा, और आप डेरिवेशन तो करेंगे ही तो आपको वैल्यू लर्न हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखते हैं हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज थी, लेकिन अब जो होंगे उसमें मल्टीपल चार्जेस होंगे, जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता था ना, वैसे ही अब यहाँ पर मल्टीपल चार्जेस की बात होगी। अब मल्टीपल चार्जेस वाला देखते हैं वह कैसे होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या क्या सिंपल कूलम्ब्स लिखा है। ये वाला फॉर्मूला पिछली वीडियो आपने देखी है, तो वहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी वाला फॉर्मूला लर्न होगा, और सिंपल उनका क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा था वो लिख दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है।